मेरे सभी सम्मानित शिक्षकों और मेरे प्रिय मित्रों को सुप्रभात। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम यहाँ पर इस शुभ अवसर को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 15 अगस्त 1947 और यही दिन था जब हमें आज़ादी मिली, जब हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए लड़े और उन्होंने हमें हमारा भारत देश सुख शांति से हमें दिया। आज जो हम शांति प्रल से अपना जीवन जी रहे हैं, बस उन्हीं के बलिदान के कारण है। अल्लामा सैयद शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दसे देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दसे देहलवी, अल्लामा फजल अब खैराबादी, मुफ्ती इनायत अहमद तकौरवी, मौलाना हसरत रूहानी, मौलाना रहमत अली किरानवी और बरकतुल्लाह खां भोपाली, शेर मैसूर टीपू सुल्तान और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आज़ाद और ऐसे ही हज़ारों उलमा और लाखों मुसलमानों ने और भारत की हिंदुस्तान की आवाम ने, भारत के महान अन्य राष्ट्र नेताओं ने अपने राष्ट्र की सेवा में अपने पूरे जीवन का समर्पित किया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम दुनिया में सबसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। प्रौद्योगिक, शिक्षा, खेल में हम तेजी से विकास कर रहे हैं, जो कि ये स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं था। मित्रों, मैं अपने भाषण के अंत में यही कहना चाहूँगा, हमें भारतीय होने पर पूरा गर्व होना चाहिए और ये ना भूले कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने पूरे जीवन का त्याग किया। और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने की, शपथ लेने की। तो हमें खुद से प्रश्न करना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस शुभ अवसर को खुशी से मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।